बस केवल दलाली जो करेगा, चमचई करेगा, लूटपाट करेगा, वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के नजर में अच्छा होगा। ये साबित हो चुका है कि आप इन मुद्दों पे फेल हो चुके हैं, इसलिए आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप उड़न खटोला को अलीगढ़ से फिरोजाबाद क्यों नहीं ले जाते हैं? उन माँ बाप से, परिवार से क्यों नहीं मिलते हैं जिनके बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं? अरे योगी जी, अब्बा जान का कद्र आप क्या जानिएगा? एक अच्छा बाप ही अब्बा जान कहला सकता है। आप जैसे नामर्द अब्बा जान नहीं कहला सकते हैं, जो शादी नहीं किए, बच्चे नहीं पैदा किए, वो कैसे अब्बा जान कहलाएंगे? अब्बा जान कहलाने के लिए डैडी बनना पड़ता है, पप्पा बनना पड़ता है, बाबा बनता बनना पड़ता है, तब जाकर अब्बा जान कहला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास इतना पागल हो चुका है कि बंगाल की सड़क यूपी में घुस जा रही है, अमेरिका का फैक्ट्री यूपी में घुस जा रहा है। आदित्यनाथ योगी जी को शर्म आना चाहिए। आदित्यनाथ योगी जी थूक के चाटने का काम कर रहे हैं। अब बदलाव होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये तानाशाही सरकार, हिटलर शाही सरकार, दंगाई सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। जो पार्टी अपने सभा में चिल्लाती है जय श्री राम, जो पार्टी अपने सभा में चिल्लाती है नारे तकबीर, अरे बंदे मातरम बोलो, इनकलाब जिंदाबाद बोलो। देखिए, पूरे देश के अंदर एक चीज दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इस कोरोना महामारी में लोगों को घर पहुंचाने का काम किया है, दाने दाने के लिए मोहताज थे, उनके घर दाने पहुंचाने का काम किया है, पानी पहुंचाने का काम किया है, दवा पहुंचाने का काम किया है, उस व्यक्ति को सरकार, उसको सम्मानित करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जी गंदी राजनीति के तहत उसके घर में सीबीआई से छापा मरवाते हैं। उस हीरो को, उसको विलेन साबित करना चाहते हैं। जिस हीरो ने इस देश के लोगों को मदद करने का काम किया, वह सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन सरकार उसमें फेल साबित हुई, नाकाम साबित हुई। तो एक युवा ने आकर गरीब लोगों को मदद करने का काम किया, परेशान हाल में जो लोग थे उनको मदद करने का काम किया, लेकिन सरकार आज उसको, उस हीरो को विलेन बनाना चाहती है। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। बस केवल दलाली जो करेगा, चमचई करेगा, लूटपाट करेगा, वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के नजर में अच्छा होगा, जो लोगों की मदद करेगा वो अच्छा नहीं होगा। बड़े पर्दे पर दिखने वाला ये हीरो अगर जब असल जिंदगी में लोगों के लिए, जब मसीहा बनकर के लोगों के लिए काम करने लगा, तो आखिर ये बीजेपी के लिए चुभने क्यों लगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कह रहा हूं मैं, कि देश में गंदी राजनीति की शुरुआत कर चुकी है। चाहे देश में किसी भी बात पर ले लीजिए, आज सोनू सूद को सम्मानित करने की जरूरत थी, उस व्यक्ति को आप उसके घर पे छापा मरवाना चाहते हैं। इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आखिर क्या वजह होगी? नहीं, अब उनको गिरफ्तार, उनके यहां सीबीआई जो और आईटी सेल के जो छापे पड़ रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, बात यह है कि इस देश में प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि मेरे सिवा दुनिया में कोई ना रहे, इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो मैं हूं, इसके अलावा कोई नहीं रहे। सोनू सूद की जिस तरीके से फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, लोगों के बीच में सकारात्मक छवि बन रही थी, उनके छवि को बिगाड़ने के लिए ये प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोनू सूद ने मिलने का काम किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को जलन हो गया कि हमसे मिलने क्यों नहीं आया, मैं अपने आप को महान समझता हूं, हमसे मिलने क्यों नहीं आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने क्यों चला गया। इसलिए इन्होंने गंदी राजनीति और बदला के भावना से उसके घर छापा मरवाया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश के 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन चर्चा उत्तर प्रदेश की है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं सोनू सूद को आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से टिकट देने लगी हो, या उसकी बात हो जाए, या उसके लिए प्रचार करने के लिए कोशिश करते, इसलिए उनके खिलाफ इस राजनीतिक द्वेष को लेकर के? देखिए, अभी तो पूरे तरीके से खोलकर राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन जहां तक उनकर अभी तक कैरियर की बात है, तो उन्होंने अपने बेहतर जीवन में फिल्मी दुनिया से अलग हटकर रियल लाइफ में उन्होंने बेहतर काम किया है, लोगों को मदद करने का काम किया है, जहां भी जरूरत होगी उन्होंने खड़ा होने का काम किया है। आप देखे होंगे ट्विटर से उनको टैग करके लोग मदद मांगते हैं, तो वह बंदा मदद पहुंचाने का काम करता है, इसलिए वो मेरे नजर में बहुत बेहतर है। और सरकार
उसको परेशान करने के नियत से हीरो को विलेन साबित करने के लिए ये काम कर रही है। पप्पू यादव को भी बिहार में आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के घर में दर्जनों ने इस सैकड़ों एम्बुलेंस पकड़ाता है तो उजागर करते हैं, एम्बुलेंस दुनिया को दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको चुरा कर रखी हुई है, भाजपा का सांसद चुरा कर रखा हुआ है, तो उसको जेल में डालने का काम किया गया। यही तो देश में चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेगा, विरोध करेगा, सच्चाई बताएगा, लोकतंत्र बचाने की बात करेगा, वह जेल के अंदर जाएगा। जो मोदी जी का चापलूसी करेगा वह तलवे चाटने का काम करेगा। यही तो देश के अंदर चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी जो जुमलेबाजी है बहुत जोरों पर है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अब तो खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कोई अब्बा जान कहता है तो कोई चचा जान कहता है। अब योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में एक रैली के दौरान कहा कि 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, बांग्लादेश और नेपाल भेज दिया करते थे। देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का इस तरह से बयान देना पूरे तरीके से शर्मसार है। लोकतंत्र में किसी समाज को गाली आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर एक समुदाय को लगातार गाली देने का काम कर रहे हैं। मैं कुशीनगर की जनता से पूछना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ढोंगी से पूछना चाहता हूँ, आदित्यनाथ योगी से पूछना चाहता हूँ, क्या 2017 से पहले कुशीनगर की जनता भूखे सोती थी? क्या वो कुशीनगर की जनता कपड़ा नहीं पहनती थी? क्या कुशीनगर के लोग पढ़ाई नहीं करते थे? क्या कुशीनगर के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी नहीं मिलता था? क्या 2017 के बाद आकर आप उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का जमीन चीरकर कुशीनगर निकाले हैं क्या? इस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए। और एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, बीजेपी का इतिहास रहा है कि देश में दंगा फसाद के नाम पर चुनाव लड़ा जाए और चुनाव लड़कर कामयाब बना जाए। आप बताइए ना, योगी जी कहे नहीं कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने, उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने की बात किया, उत्तर प्रदेश को हम गड्ढे मुक्त बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की बकाया राशि देने का काम किया। इस मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे आप? इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि यह साबित हो चुका है कि आप इन मुद्दों पर फेल हो चुके हैं, इसलिए आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक बात बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ में जाते हैं, लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं, ये कर दिए, वो कर दिए, तेजस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को बताते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए। अलीगढ़ से 100 किलोमीटर दूर पर फिरोजाबाद में आज वहां पर डेंगू वायरल बुखार से बच्चे इलाज के अभाव में मर रहे हैं, उसके बारे में एक ट्वीट नहीं करते हैं आप? उड़न खटोला को अलीगढ़ से फिरोजाबाद क्यों नहीं ले जाते हैं? उन माँ बाप से, परिवार से क्यों नहीं मिलते हैं जिनके बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं? अरे योगी जी, अब्बा जान का कद्र आप क्या जानिएगा? एक अच्छा बाप ही अब्बा जान कहला सकता है। आप जैसे मर्द अब्बा जान नहीं कहला सकते हैं, जो शादी नहीं किए, बच्चे नहीं पैदा किए, वो कैसे अब्बा जान कहलाएंगे? अब्बा जान कहलाने के लिए डैडी बनना पड़ता है, पप्पा बनना पड़ता है, बाबा बनता बनना पड़ता है, तब जाकर अब्बा जान कहला सकते हैं आप। अभी आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ विकास की बात नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, उसकी बात, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश से दूर दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो पर और बस स्टैंड के अंदर आप देखे होंगे तमाम बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई, इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, स्मार्ट प्रदेश, एक चार साल में 4.5 लाख रोजगार, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए, ये सरकार फर्जी सरकार है, ये सरकार केवल प्रचार तंत्र के माध्यम से देश के लोगों को गुमराह करना चाहती है, ये सरकार केवल प्रचार तंत्र पर टिकी हुई है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक टाइम्स एक्सप्रेस में इश्तहार छपता है, बड़ी होर्डिंग छपती है, बंगाल की सड़क उत्तर प्रदेश को दिखाया जाता है, अमेरिका की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश को दिखाया जाता है। अगर योगी जी ने विकास किया रहता तो बंगाल की सड़क को क्यों दिखाते हैं, अमेरिका की फैक्ट्री क्यों दिखाते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर विकास इतना पागल हो चुका है कि बंगाल की सड़क यूपी में घुस जा रही है, अमेरिका का फैक्ट्री यूपी में घुस जा रहा है, और करोड़ों का विज्ञापन आदित्यनाथ योगी करके अपना पीठ थपथपा रहे हैं। आदित्यनाथ योगी जी को शर्माना चाहिए। आदित्यनाथ योगी जी थूक के चाटने का काम कर रहे हैं, यही
बंगाल के चुनाव में कहते थे मैं बंगाल को उत्तर प्रदेश मॉडल बना दूंगा। अरे भाई उत्तर प्रदेश मॉडल बना रहे थे लेकिन जब अपनी उत्तर प्रदेश में वोट लेने की बात आई तो बंगाल मॉडल के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को समझ चुका है लोग, अब बदलाव होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ये तानाशाही सरकार, हिटलर शाही सरकार, दंगाई सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। बंगाल का मॉडल जुड़ा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, एक मैं नहीं कह रहा हूं, मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं, जो देश की सच्चाई है मैं उसको बयां करने का बात कर रहा हूं। ये दो जब चुनाव हुआ था यही आदित्यनाथ योगी जाते थे ना, कहते थे मैं गुजरात बंगाल को उत्तर प्रदेश मॉडल बनाऊंगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित है उस तरीके से बंगाल की बहन बेटियां को सुरक्षित करूंगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास किया उस तरीके से बंगाल का विकास करूंगा। अरे भाई जब उत्तर प्रदेश विकसित राज्य है, मॉडल राज्य है, तो बंगाल की आप सड़क को फोटो खींचकर क्यों वोट मांग रहे हैं उसके नाम पर? आप दिखा देते अपनी गड्ढे गड्ढे सड़क, अमरीशपुरी वाली सड़क, ओमपुरी वाली सड़क, प्रियंता जिंता प्रीति जिंता वाली सड़क जो धस जाता है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क का भी हाल हुआ है। ये लोग कहते थे गड्ढे मुक्त सड़क बनाएंगे, इसके नजर में अतीक अहमद गुंडा है, मुख्तार अंसारी गुंडा है, जितने लोग हैं गुंडे हैं, और उस आदित्यनाथ योगी जी अपने आप को बहुत महान समझते हैं। मायावती, श्री मायावती जी ने भी तो उनको मुख्तार अंसारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्हीं के भाई जीत करके सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं उसी पार्टी से, लेकिन अब 2022 के चुनाव से पहले बाहर का रास्ता दिखा। देखिए ये बात नहीं कहना चाहिए क्योंकि औपचारिक तरीके से गठबंधन का ऐलान नहीं है, लेकिन मैं खुले तौर से बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी में अदृश्य गठबंधन हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर एक सभा में बैठ के बोलते हैं कि बीएसपी अच्छी प्रदर्शन करेगी। इससे सिद्ध होता है कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बीएसपी को बढ़ावा देना चाहती है ताकि आने वाले चुनाव में बीएसपी अगर सीट जीतती है तो हमको गठबंधन दे देगी। नहीं नहीं, बी टीम में कहने वाला कौन हूं? मैं नहीं कह सकता हूं किसी को बी टीम, चाहे वो वैसी हो चाहे कोई भी, लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी कमजोर हो, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो, बीएसपी अच्छी सीट जीते ताकि आने वाले चुनाव में हमको। वैसी क्यों नहीं कमजोर हो? एक बात बताइए, इस देश के लिए दो चीज हानिकारक है, हैदराबाद का बिरयानी और नागपुर की नारंगी, दोनों हानिकारक है। मैं कभी उस पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकता हूं जो पार्टी अपने सभा में चिल्लाती है जय श्री राम, जो पार्टी अपने सभा में चिल्लाती है नारे तकबीर, अरे वंदे मातरम बोलो, इनकलाब जिंदाबाद बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, जय श्री राम की क्या जरूरत है, नारे तकबीर की क्या जरूरत है? देखिए इस देश में कट्टरता की कोई जरूरत नहीं है, इस देश में हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा, इस पे कोई उंगली उठा नहीं सकता है। यहां पर सबको अपनी अपनी मजहब मानने की आजादी है, हमारा लोकतंत्र और संविधान इजाजत देता है कि सब लोग साथ रह सकते हैं। आज बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ योगी जी, अब्बा जान, चचा जान, कौन सा राज्य जान ने राकेश टिकैत ने चचा जान कहा है, इस उनके इस बयान को कैसे आप देखते हैं? एक तरफ योगी आदित्यनाथ अब्बा जान कहते हैं, वहीं राकेश टिकैत चचा जान कहते हैं, ये चचा जान उत्तर प्रदेश आ गए हैं तो अब बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात बताइए ना, बात सही है, भारतीय जनता पार्टी भी जाति की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, और अशाउद्दीन ओवैसी साहब भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपको धर्म की राजनीति नजर आ रही है? एक बात सुनिए, एक बात मैं सुनता हूँ आपकी बात को, मैं जवाब देता हूं। वो मुसलमानों को ठेकेदार बनने का काम करते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताती है, हिंदुओं की पार्टी बताती है, लेकिन इसी कोरोना महामारी में जब हिंदू भाई ऑक्सीजन से मर गए, दवा के अभाव में मर गए, तो उनको बिना अंतिम संस्कार कराने गंगा नदी में फेंकने का काम किया, उस समय कहां गया था हिंदुओं से प्यार? वैसे ही साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आप संसद में अच्छी अच्छी बातें करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आज इस देश का मुसलमान सड़क पर है, आपको सड़क पर आकर उसके हक और अधिकार लड़ने की जरूरत है। एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब देश में एनआरसी का आंदोलन हो रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों पर गोली चला दिया गया था, हमारे ऊपर छोटे छोटे बच्चों पर गोली चला दिया गया था।